हेलो फ्रेंड्स, माय नेम सरचित एंड आज की हमारी वीडियो होगी गॉड मरकरी एंड द वुड कटर। गॉड मरकरी रोमन में गॉड मरकरी एक भगवान का नाम है एंड द वुड कटर लकड़हारे को कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इनकी स्टोरी और इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे काफ़ी कम टाइम के अंदर। सो शुरू करता हूँ मेरे टाइम को फ्रेंड्स आज की स्टोरी। वंस अ वुड कटर वॉज फॉलिंग ए ट्री एट द बैंक ऑफ द रिवर। एक बार एक वुड कटर एक लकड़हारा वॉज फॉलिंग गिरा रहा था अ ट्री एक पेड़ एट द बैंक ऑफ द रिवर यानी कि नदी के किनारे। बैंक कहते हैं किनारे को फ्रेंड्स। बाई चांस अचानक से हीज एक्स फेल इन टू द वाटर। एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को, उसकी कुल्हाड़ी फेल इन टू द वाटर गिर गई पानी में। ही बिगेन टू वीप उसने रोना शुरू किया। द गॉड मरकरी हियर्ड हीज क्राइज जो मरकरी गॉड है यानी कि भगवान है मरकरी हियर हीज क्राइज उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी। ही अपीयर्ड बिफोर हिम वह प्रकट हुए बिफोर हिम उसके सामने एंड सेड और कहा व्हाई आर यू वीपिंग आप क्यों रो रहे हो। द वुड कटर टोल्ड हिम द होल स्टोरी वुड कटर ने उनको पूरी कहानी बताई। द गॉड डाइव्ड गॉड ने डुबकी लगाई। सून ही केम आउट विथ ए गोल्डन एक्स जल्द ही वह एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ वापस आए। द वुड कटर सेड लकड़हारे ने कहा सर इट इज़ नॉट माई एक्स यह है मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। माई एक्स वॉज नॉट सो ब्यूटीफुल मेरी कुल्हाड़ी इतनी खूबसूरत नहीं है। सो मतलब इतनी यहाँ पर सो का यूज़ इतनी के लिए हुआ। देन उसके बाद द गॉड डाइव्ड अगेन भगवान ने दोबारा से डुबकी लगाई। ही केम आउट वह आए वापस विथ अ सिल्वर एक्स एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ। फ्रेंड इंग्लिश में सिल्वर को चांदी कहा जाता है ओके। द वुड कटर सेड लकड़हारे ने कहा सर इट इज़ नॉट माइन ये मेरी नहीं है। माई एक्स वॉज नॉट सो शाइनिंग मेरी कुल्हाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं चमकती है। द गॉड डाइव्ड फॉर द थर्ड टाइम भगवान ने तीसरी बार डुबकी लगाई। ही केम आउट विथ एन आयरन एक्स फिर वह एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आए। द वुड कटर फेल्ट वेरी हैप्पी लकड़हारा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ही सेड उसने कहा दिस इज़ माइन ये मेरी है। हाउ शुड आई थैंक यू मैं तुम्हें किस तरीके से शुक्रिया अदा करूँ। द गॉड वॉज प्लीज्ड एट हीज ऑनेस्टी भगवान खुश हुए उसके ईमानदारी पर। ही गेव हिम ऑल द थ्री एक्सेस एज ए रिवार्ड उन्होंने उसको वह तीन कुल्हाड़ियाँ भी दे दी इनाम के तौर पर। सो फ्रेंड्स कहानी का एंड होता है यहाँ पर और कहानी के एंड के अंदर हम देखेंगे मॉरल। मॉरल है हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। फ्रेंड्स अगर ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है तो लोग ईमानदार होने चाहिए। और ये कहानी का एंड भी हो गया है उसके अंदर जो हार्ड वर्ड बीनिंग है वो मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ। इसमें वीपिंग यानी कि रोने के लिए वुड कटर लकड़हारा जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स। एंड एक्स के बारे में आपको मालूम है एक्स कहते हैं हम कुल्हाड़ी को एंड शाइनिंग मतलब चमकना। सो फ्रेंड्स जहाँ तक एज फार एज आई थिंक आपको मैं बता चुका हूँ फ्रेंड सारी वर्ड मीनिंग। एंड लास्ट थिंग इज़ इसके इस स्टोरी के अंदर जो हमने सेंटेंस का यूज़ किया है वो क्या है पास्ट डेफिनेट का पास्ट सिंपल का। सो फ्रेंड क्योंकि हम सारी स्टोरी ज़्यादातर पास्ट में बनाते हैं। सो फ्रेंड इस तरीके की वीडियो से हम मिनिमम टू मिनिमम टाइम के अंदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को आप इस तरीके से देखते रहेंगे और एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करें देन उसको फिर हिंदी में आप ट्रांसलेट करें। इससे आप रीडिंग तो स्किल आपका बेटर होगा एज वेल एज आपका राइटिंग स्किल भी बेटर हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।